हिंदुस्तान का जावास फाइटर अभिनंदन अपने घर यानी कि भारत वापस लौट आए हैं। अभिनंदन का हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सी आर रावत ने भी तहे दिल से अभिनंदन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका भी अभिनंदन है। और सबको बता देना चाहता हूँ कि ये नया भारत है। पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा नहीं, हमने उनके जबड़े से निकाल के लाए हैं अभिनंदन। उन्होंने उसे पकड़ा था, पर हमारी इतनी ताकत थी कि हमने उनका जबड़ा तोड़ा, F-16 तोड़ा, उसमें से अभिनंदन को पकड़ के और उसको बाहर निकाल के लाए हैं। ये हमारे नए भारतवर्ष की ताकत है। आगे कभी भी पाकिस्तान ऐसी हिमायत नहीं कर पाएगा, और वो समझ गया हमारी ताकत क्या है। वो 1965 का या 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये आज का भारत है, 2020 सदी का भारत है, जो उल्टी सीधी बातों पर नहीं झुकने वाला। डॉक्टर सी आर रावत का कहना है कि अब भारत बदल गया है, ये बदलता हुआ भारत है। भारत और अन्य देशों के दबाव के चलते भारत का शेर बिना किसी खरोंच के वापस लौट आया है। तो सबसे पहले तो मैं देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि बिना किसी खरोंच के, बिना किसी चोट के, बिना किसी उसके, हमारा शेर वापस लौट के आया है। और वहाँ पर भी उसने दिखा दिया कि ये शेर जो है असली बब्बर शेर है। ऐसा नहीं है कि गीदड़ है जिसने शेर की खाल पहन रखी है। वो लोग बैठे हुए हैं F-16 में, और इसने एक MiG-19 से इसने एक F-16 का शिकार किया। ये है बहादुरी। ये थोड़ी कि आपकी बंदूक अच्छी है तो आप अपनी वो कर रहे हैं। एक बाइसन जहाज से उसने F-16 मार गिराया। दो जहाज गिरे थे, पाकिस्तान आज भी पहले जब उनकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने दो जहाज गिरे हुए बताए और दो पायलट पकड़े हुए बताए। बाद में उन्होंने खुलासा किया, नहीं, एक ही जहाज है, क्योंकि वो F-16 को छुपा रहे हैं। वो दूसरा जो पायलट था वो पाकिस्तानी पायलट था। आज खबर आ रही है कि वो पाकिस्तानी पायलट वहीं पर है और उसकी डेथ हो चुकी है, उस आदमी की। डॉक्टर सी आर रावत का कहना है कि प्यार मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक कोई भी परमाणु भी नहीं है, लेकिन पाक को अपने सरजमी पर चल रहे आतंकी गतिविधियों को खत्म करना चाहिए। अगर वो खत्म नहीं करता है तो उसे खत्म कराने के लिए सहयोग करें। अब हिंदुस्तान काफी बदल चुका है, पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है। वहीं डॉक्टर रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिस तरीके से उन्होंने काम को अंजाम दिलाया वो आसान नहीं था। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।